हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको ट्रेंडी नायरा स्टाइल कुर्ती बनाना बताऊंगी विथ डिज़ाइनर नेक। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है और लाइनिंग के लिए 1 मीटर क्रेप फैब्रिक लिया है और डिज़ाइनिंग के लिए ये लेस ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है और जो ये लाइनिंग का फैब्रिक है इस पर मैंने इस तरह का फ्यूजिंग पेपर अटैच किया है। ये ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है मेरी 15 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। अब यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे, तो शोल्डर लूँगी मैं इसके 7 इंच और यहाँ से आर्म होल ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। अब दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है, चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 9 इंच। अब यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है, तो कमर है इसकी 30, तो 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5 और प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए, तो 8.5 इंच पे मैं कमर का निशान लगाऊंगी। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ से आर्म होल का शेप बनाएंगे इस तरह से, ये हमारा बैक आर्म होल है और 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे, तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच और यहाँ से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस तरह। अब नेक डीप रखूंगी मैं फ्रंट के लिए 7 इंच और बैक नेक डीप रखूंगी 3 इंच। अब इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें हम नेक का शेप बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं हल्का सा कर्व देते हुए वी शेप बना रही हूँ और बैक साइड में राउंड शेप बना रही हूँ। तो मार्किंग हो गई है, अब बैक नेक से स्टार्ट करते हुए इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है और इसमें से अब बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, तो ये लाइनिंग पे कटिंग हो गई है हमारी। अब हम इसकी मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे, तो इस मेन फैब्रिक को भी मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके रखा है। इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे और इसी शेप में इसकी कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से नेक को कट नहीं करना है। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, तो फैब्रिक को मैंने इस तरह 4 फोल्ड किया है। स्लीव की रेडी लेंथ है मेरी 18 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 19 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। और स्लीव की चौड़ाई रखूंगी मैं 9.5 इंच, जो भी हमारे आर्म होल हो उसमें हमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखना है। तो 9.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा के इस तरह स्लीव का शेप बना लेंगे। अब स्लीव बॉटम है मेरी 5 इंच, उसमें प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा, तो होगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे स्लीव बॉटम का निशान लगा रही हूँ मैं। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से और अब इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है और अब इसे ओपन करेंगे और स्लीव का फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे इस तरह। तो स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है और अब इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए बॉटम पार्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। बॉटम पार्ट की चौड़ाई है 42 इंच, 45 इंच और लंबाई है इसकी 32 इंच। जो भी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से हमें टॉप पार्ट को अलग करना है और फिर जो भी लेंथ बचे उसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है। तो इस तरह मैंने 32 इंच बॉटम पार्ट की लेंथ ली है। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। तो मेन फैब्रिक की सीधी साइड हम लाइनिंग को रखेंगे और नेक लाइन से इसे स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब लाइनिंग को अंदर की तरफ पलट देंगे इस तरह से, लाइनिंग को रॉन्ग साइड में टर्न करके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह मैंने नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है और अब साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और टॉप पार्ट के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने इस तरह लाइनिंग के चारों तरफ सिलाई लगा के लाइनिंग को अटैच कर लिया है। और अब बैक साइड टक्स बनाएंगे, तो सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन के दोनों तरफ 4-4 इंच पर निशान लगाएंगे और टक्स की लेंथ रखेंगे 5.5 इंच
और अब इसे इस तरह से फोल्ड करके हम इसमें टक्स बनाएंगे। देखिए दोनों साइड मैंने टक्स बना लिए हैं और अब हम नेक पर लेस अटैच करेंगे। तो देखिए ये इस तरह की लेस ली है मैंने, इसे हम इस तरह एक साइड रखेंगे और यहाँ तक हम इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम इसे इस तरह से कट करेंगे और सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और इस तरह हम एक साइड में लेस को अटैच कर लेंगे। और अब इस लेस के दूसरी साइड भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए एक साइड हमने लेस अटैच कर ली है और अब हम इसके दूसरी साइड लेस अटैच करेंगे। तो इस लेस को हम इस तरह रखेंगे और इसे यहाँ नीचे तक अटैच करेंगे। और अब इसके साइड में भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने अंगरखा पैटर्न में इसमें लेस अटैच की है। तो फ्रंट पार्ट रेडी है हमारा और सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट भी रेडी किया है। बैक साइड भी मैंने दो टक्स बनाए हैं और अब दोनों पार्ट को मिला के हम शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। और अब हम दोनों स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव के बॉटम में भी मैंने इस तरह से लेस अटैच की है और दोनों स्लीव्स को हम इस तरह से मिला लेंगे। और स्लीव के फ्रंट आर्मोल और कुर्ती के फ्रंट आर्मोल को मैच करते हुए हम स्लीव को इस तरह टॉप पार्ट पर रखेंगे और इस तरह बराबर मिलाते हुए हम दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए स्लीव्स भी मैंने ज्वाइंट कर ली है और अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड डेढ़ डेढ़ इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसी मार्किंग पे हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने साइड ज्वाइंट कर ली है और टॉप पार्ट हमारा रेडी है। अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो बॉटम पार्ट को मैंने दोनों साइड से और नीचे से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है, जिस तरह हम नॉर्मल कुर्ती की साइड फोल्ड करते हैं। अब हम इसमें इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें बॉटम पार्ट में प्लीट्स बनानी है। और अब टॉप और बॉटम पार्ट को ज्वाइंट कर लेंगे। तो बॉटम पार्ट को हम इस तरह टॉप पार्ट पर रखेंगे और साइड से इसे बराबर मिलाएंगे। तो साइड से बराबर मिलाते हुए हम इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे ताकि जो हमारे साइड के कट हैं वो बराबर सेंटर में रहे। और सेम इसी तरह हम बैक साइड में बॉटम पार्ट को रखकर सेट कर लेंगे बराबर दोनों साइड से। और अब हम इसके वेस्ट राउंड में सिलाई लगा लेंगे पूरे राउंड में। तो देखिए इस तरह मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है और यहाँ साइड में आप देख सकते हैं जो कट है हमारे चाक बने हैं वो बिल्कुल सेंटर में बने हैं दोनों साइड। अब हम इसके साइड में दोरी अटैच करेंगे। तो ये मैंने फैब्रिक की पतली दोरी बनाई है। इसके नीचे हम पहले लटकन बनाएंगे। तो इस लेस से हम लटकन बनाएंगे। इस लेस की लेंथ है 4 इंच और चौड़ाई है इसकी 1.25 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करके एक साइड से स्टिच कर लेंगे और अब इसे सीधा करेंगे। और अब दोरी को इसके अंदर डालेंगे और एक कॉर्नर में इसे इस तरह से सेट करके यहाँ से इसे स्टिच कर लेंगे साइड से, देखिए इस तरह। और अब जो ये एक साइड ओपन है इसमें हम फैब्रिक के छोटे छोटे पीस भर देंगे इस तरह से और इसे दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारे लेस से ब्यूटीफुल लटकन बनेंगे। इस तरह मैंने दो लटकन बनाए हैं। और अब हम फैब्रिक का एक पीस लेंगे और इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे और 3.5 इंच पे अब एक निशान लगाएंगे इस तरह गोलाई में। और इन सभी निशान को इस तरह ज्वाइंट करके राउंड में इसे कट कर लेंगे। और अब इस फैब्रिक में हम गोलाई में लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह हम लेस को इस तरह पूरी गोलाई में अटैच कर लेंगे और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इस फैब्रिक के गोलाई में लेस अटैच कर ली है और अब इसे फोल्ड करके सेंटर से कट कर लेंगे। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक साइड से स्टिच कर लेंगे और इसे सीधा करेंगे। और अब हम इस तरह के बीड्स लेंगे और इसे हम थ्रेड और नीडल से लटकन में अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से। और अब इसे हम इस लटकन के नीचे अटैच कर लेंगे।
तो इस तरह देखिए हमारे कितने ब्यूटीफुल और इजी लटकन बन गए हैं। सो इस तरह मैंने दोनों लटकन रेडी कर लिए हैं और अब इस डोरी को हम कुर्ती में अटैच करेंगे। तो यहाँ साइड में हम इसे अटैच करेंगे, तो इस डोरी को यहाँ पर रखेंगे साइड में और इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने साइड में डोरी को स्टिच कर लिया है और अब हम इसमें इस तरह से एक नॉट लगा लेंगे। तो अब देख सकते हैं ये कितना ब्यूटीफुल अंगरखा स्टाइल पैटर्न बना है हमारा और ये कुर्ती बनके अब रेडी है।